हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोमो ऐप से कि ग्रोमो ऐप से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप एक रेफर पे 500 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं। वो सारा चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ग्रोमो ऐप से जो है आप 15 से 20 हज़ार रुपये आप घर बैठे आराम से आप कमा सकते हैं। तो वो कैसे कमा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रेफरल प्रोसेस क्या है, वो भी रेफर कर करके, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारा चीज़ मैं सारा डिटेल्स में आज आप इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए और इस ग्रोमो एप्लीकेशन में अर्निंग करने के लिए। तो ये बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस डॉक्यूमेंट को जो है अपने साथ में ही रख लें और जो है आप रेफर कर करके अब आराम से ढूंढ के जितना अनलिमिटेड हो पैसे कमाएं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ ग्रोमो ऐप में और मोबाइल के स्क्रीन में कि कैसे कैसे ये है। मैं सारा डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर अर्निंग तक का सारा लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं तो फ्रेंड ग्रोमो ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर लेना है और डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आ जाने के बाद में आपको जो है नीचे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, नई मोबाइल नंबर जिससे ग्रोमो ऐप रजिस्टर ना पहले हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, मतलब बैंक अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इस एप्लीकेशन के लिए, तभी जाके आप अर्निंग कर पाएंगे और पेमेंट जो है ले पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके लिए वो चीज़ चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप जो सिंपल आप जो है रजिस्टर कर लें, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा आपको। ओटीपी आ जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है कॉपी करके, या फिर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का बटन है, ग्रीन कलर का बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आगे हो जाना है। आगे बढ़ जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और सिटी यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम डाल दें, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दें, यहाँ पे जो है स्टार्ट टाइपिंग का जो सिटी है वो डाल दें। उसके बाद में नीचे कुछ और ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने डाल दिया। उसके बाद में स्टूडेंट कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे जो है जो भी आपका धंधा हो, जो अभी आप करते हैं, नीचे जो कोड, ये जो इनविटेशन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डालेंगे तभी जाके आपको साइनअप का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पूछा जाएगा इस जगह पर कि वर्क एट होम जो है ना उस पर आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद में आपको जो है यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सबमिट पे सॉरी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर देने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा फ्रेंड। कैमरा गैलरी, ठीक है। तो हम कैमरे से ही कोई मतलब ले लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर सेटिंग करने के लिए मांग रहा है कि आपको प्रोफाइल का एक पिक्चर सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कोई फ़ोटो अपना ले लें, किसी तरह से आप वहाँ पे सेव कर दें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो चीज़ करके वो सेटिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल पिक्चर एक सेव हो गया, मैं सेव कर दिया ऊपर में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक कर देने के डेट अनुसार ये जो है मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया इसके अंदर में। यू विजिट कार्ड इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक योर ट्रेनिंग नाउ, ट्रेनिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं इसको, या फिर ऊपर में दिखा रहा है मल्टीपल बटन जो है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो ऊपर में। तो चलिए मैं कट कर देता हूँ इसको। कट कर देने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब अर्निंग इसमें कैसे करेंगे फ्रेंड। आप जो है अगर थोड़ा सा आप जो कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छा खासा आप जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अर्निंग कर सकते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें प्लीज, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ कि छोटा सा KYC है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चीज़ चाहिए एप्लीकेशन से अर्निंग करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है 3 डॉट पिक आपको क्लिक करना है। सिंपल क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको जो है एडिट प्रोफाइल पे सेक्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 चीज़ें मांगा जा रहा है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब नाम वगैरह जो भी होगा आपका वो यहाँ पे डालें, ठीक है। उसके बाद में जो है कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, जो आपका एड्रेस है वो इस जगह पर आपको डालना पड़ेगा फिर, ठीक है फ्रेंड। आपके उसके बाद में यहाँ पर आप जो देख सकते हैं KYC डिटेल, ठीक है। तो KYC डिटेल में आपको जो है मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड का जो है फ्रंट
पे मतलब पहले वाला जो है फ्रंट पेज आपको चाहिए और बैकएंड पेज भी चाहिए, ठीक है, बैकएंड साइड का, बैक साइड का, फ्रंट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो चीज़ आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे KYC। यहाँ पे तो मेरा कंप्लीट आप देख सकते हैं कि हरा हरा जो है कंप्लीट मैंने KYC कर लिया। उसके बाद में नीचे जो आपको दिया जा रहा है बैंक डिटेल, ठीक है, यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे बैंक फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा नेम डालना है बैंक अकाउंट का, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर नेम जो होगा वो। उसके बाद में बैंक अकाउंट यहाँ पे देना है, उसके बाद में यहाँ पे IFSC कोड देना है आपका, यहाँ पे पैन नंबर देना है, ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर देना है। इसमें पैन नंबर देने के बाद में आप जो ही वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में ₹1 इंस्टेंट आपका वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो चेक करता है कि बैंक अकाउंट कहीं मतलब गड़बड़ तो नहीं है, उसके वजह से आपको जो है ₹1 इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि KYC कंप्लीट होने के बाद में इस तरह से ग्रीन ग्रीन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ हो गया KYC कंप्लीट करने का, ठीक है। तो यहाँ KYC कंप्लीट हो जाने के बाद आपको करना ये है, बैक आ जाना है, यहाँ से बैक आ जाने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब जो है अर्निंग कैसे करना है इसमें, तो अर्निंग करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में इस तरह का एक बैनर देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइडिंग हो रहा है, ये बैनर देखने को मिल रहा है। उसके और स्लाइड करेंगे और स्लाइड करेंगे और स्लाइड करते ही आपको इस तरह का ब्लू कलर का जो बैनर है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैनर पे, अगर इस बैनर को आप देखेंगे रेफर ए फ्रेंड एंड अर्न ₹500, तो ₹500 जो है आपको पर रेफरल पे आपको मिलेगा। और इसमें बोल रहा है कि गिफ्ट योर फ्रेंड ₹250, ठीक है, ऑन देयर फर्स्ट सेल। अगर फर्स्ट सेल अगर कोई भी इस एप्लीकेशन के अंदर में कोई भी अगर जाता है और अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर रेफर करके अगर अर्निंग करता है उसका भी आपको जो है 5% हर अर्निंग में आपको 5% कमीशन इसमें से भी आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। मीन्स जितना वो अर्निंग करेगा उसका मतलब 5% जो है आपको उसका भी कमीशन के तौर पे उस आपको भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसमें से तो इस तरह से आप इसको रेफर करके आप अर्निंग कर सकते हैं ₹500 मतलब 5-750 रुपये आप इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक ये तरीका रेफर एंड अर्न से कैसे अर्निंग करना है, वो मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया कि यहाँ से आप जो है अपने फ्रेंड को कहीं भी रेफ़र करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आप इसमें से रेफ़र करके आप अर्निंग कर सकते हैं ₹500, ठीक है। जितना भी आपका फ्रेंड आपके रेफरल लिंक से होगा वो मतलब डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर करेगा, KYC कंप्लीट कर देने के बाद में आपको जो है ₹500 इस तरह से आपको दिया जाएगा आपके वैलेट में, ठीक है। अब यहाँ पे रेफ़र कैसे करना है, तो रेफ़र करने के लिए रेड कलर का जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे वापस भेज दिया, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ लॉगिन करके। तो इस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो अर्निंग आप कर सकते हैं रेफर करके सारा चीज़ जो है इसमें रेफरल सिस्टम बहुत सारा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको जो है कोटक बैंक का जो है इसको आप रेफ़र करके ₹200 आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें से जो है जुपिटर, इसको भी अगर आप रेफ़र करेंगे तो इसमें से आपको ₹300, मतलब बहुत सारा इसमें से लिस्ट दिया गया है जो कि आप ग्रो ऐप का जो है बजाज फिनसब का है उसका भी है, फ्री चार्ज का है। तो जितना भी आप इसमें से रेफ़र करेंगे उतना जो है आपको मिलेगा। अब ये ऐसे मिलेगा, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें ये कैसे मिलेगा। चलो कि कोई बात नहीं, मैं ग्रो ऐप पे मैं एक क्लिक करता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आप देखने को मिलेगा एक बैनर, ठीक है। बैनर में आप देख सकते हैं कि ₹500 आपको जो है ग्रो ऐप को रेफर करने से मिलेगा। लेकिन आप इसमें कैसे मिलेगा वो चीज़ इसको थोड़ा समझ लें। इसको जो है मतलब आप जो है अपने एक रेफरल लिंक से जो यहाँ से लिंक शेयर करेगा, आपके रेफरल लिंक से जो साइनअप होगा, जैसे यहाँ पे शेयर करने का दिया है ना एक बटन यहाँ पे फ्रेंड इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रेफ़र करते हैं करने के बाद में ग्रो ऐप को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है, एक ट्रेडिंग करता है, उसके बाद में आपको जो है ₹500 इससे आपको मिल जाएगा। तो यही इसका तरीका है कमाने का, इसमें अर्निंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है तो इसका
पूरा क्लियर कंसेप्ट को क्लियर कर लें यहाँ पे। और भी टर्म एंड कंडीशन बहुत सारा नीचे दिया गया है, अब लिख के देख के पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद में जो आप इसको करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 500 रुपीज़ मिलेगा। तो सब कुछ सारा जितना भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है सबका एक ही टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है फ्रेंड। तो सबको जो है आप एक ही चीज़ मतलब उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी बताया आप लोगों को उस तरह से, ठीक है। यहाँ अप स्टॉक का है, अप स्टॉक का 1350 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर में 1350। सेम कंडीशन इसमें भी है, एक वीडियो है यहाँ पे, वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे रेफर करना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी सारा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब सेम यही चीज़ है कि अगर आप स्टॉक पर ये यहाँ से रेफरल लिंक से जो कोई साइनअप करता है आपके फ्रेंड, और आप करने के बाद में अगर डीमेट अकाउंट को ओपन करता है आप स्टॉक के अंदर में, वो एक भी छोटा सा ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग करने के बाद में आपको जो है 1350 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले 850 रुपये आपको मिलेंगे, उसके बाद में ऑन फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में अगर पहला ट्रेड किया वो तो आपको जो है 500 रुपये मिलेंगे, टोटल मिला के जो है 1350 रुपये दिया जाएगा। तो इसी तरह से इसमें से अर्निंग करने का तरीका है इस एप्लीकेशन के अंदर में, तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और जब जब आपका अर्निंग इसमें से होगा तो आप यहाँ पे एक वैलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका अर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका वैलेट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटेड टू बैंक, ये भी सारा चीज़ आपको डिटेल देखा जाएगा। ऑन सेल नाउ यहाँ पे बटन है जो कि आप सेल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है इस एप्लीकेशन में अर्निंग करने का। लेकिन सबसे जो बेनिफिट हमको अच्छा लगा वो रेफर और अर्न वाला जो है, इसमें से 500 रुपीज़ आपको पर रेफरल पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्रोमो ऐप में इसी तरह का ये मतलब कमाने का तरीका है। तो बस फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अर्निंग से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए हैं तो बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें फ्रेंड, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑफर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।